ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने आदेश जारी किया कि सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल न आने दिया जाए। दंतेवाड़ा जिले में 5 इनामी सहित 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भारतीय जनता महिला मोर्चा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कल करेगी प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कुछ स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने की जानकारी मिलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि जिन छात्रों और शिक्षकों को सर्दी खांसी या बुखार हो तो उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। साथ ही संक्रमित मिले छात्रों और शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज किया जाए। इस बीच अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के एक निजी स्कूल में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें शिक्षक, शिक्षिका, स्कूली बच्चे और अन्य स्टाफ शामिल हैं। इसी तरह सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के पंछीडांड शासकीय स्कूल के 2 बच्चे भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद इस शासकीय स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कोरोना काल के दौरान स्कूल खुलने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के लिए अभी थोड़ा और समय देना चाहिए। साथ ही सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीती 15 फरवरी से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। देश ने केवल 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में 6,58,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हो गई है। इन्हें मिलाकर अब तक 1,06,67,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 276 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,10,000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3,03,415 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,005 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोस के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कल कोविड प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही है। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एम्बुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज इंद्रधनुष मिशन 3 के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से शुरू होगा और 15 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम का दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। डॉ हर्षवर्धन ने अभियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें 100% टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज जांजगीर चांपा में जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं और दवाइयों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा स्टाफ और निजी दवाई दुकानों के संबंध में भी चर्चा की। श्री सिंहदेव
कोविड टीकाकरण केंद्र गए और वहां फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे टीकाकरण की प्रक्रिया देखी। स्वास्थ्य मंत्री ने जन औषधि केंद्र में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने आज बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान लोगों को जागरूक करेगा ताकि लोग पारंपरिक ईंधनों से संचालित होने वाले वाहनों को छोड़कर बिजली से चलने वाले वाहनों को अपनाएं। साथ ही खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों की बजाय बिजली से चलने वाले उपकरणों के जरिए खाना पकाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है, जो कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के पंजीकरण की प्रक्रिया 14 मार्च तक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन MyGOV मंच पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित प्रश्न MyGOV फोरम के माध्यम से चयनित प्रश्नों को कार्यक्रम में पूछे जाएंगे। देशभर के लगभग 2000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भेंट की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आम जनता यातायात नियमों का पालन करें, इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। राज्यपाल से राजभवन में महासमुंद प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद राम साहू के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की और सड़क सुरक्षा माह पर आधारित विशेषांक अपन रद्दा की पहली प्रति भेंट की। इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि यह सराहनीय प्रयास है, इससे यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत आज जांजगीर चांपा जिले के सारागांव बाजार में आयोजित की गई क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारागांव में खेल स्टेडियम बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। डॉ महंत ने सारागांव में धान खरीदी केन्द्र का लोकार्पण भी किया। दंतेवाड़ा जिले में आज 5 इनामी सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी कट्टे कल्याण इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। इन पर IED विस्फोट, रोड काटने और बैनर पोस्टर लगाने सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कल 20 फरवरी को राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी सहित पूर्व मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अन्य इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि आंध्र प्रदेश और उसके आसपास ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, इसके असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और उसके आसपास में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा है, जिसके कारण से प्रदेश में दक्षिण
छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अभी फिलहाल तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, फिर भी तापमान में कल से गिरावट प्रारंभ होगी। वहीं कल देर रात राजधानी रायपुर सहित कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दुर्ग जिले में भी कल रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे भिलाई के सेक्टर 10 में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस बीच जशपुर जिले में कल बारिश के साथ ही तापमान गिरने के कारण कई जगहों पर पाला भी पड़ा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महान शासक और योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। शिवाजी जयंती के अवसर पर आज धमतरी में मराठा समाज के युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं दुर्ग में शिवसैनिकों द्वारा सुपेला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज दुर्ग में आयोजित जनपद गौरव समारोह में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने के लिए अब आवेदक आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प या ई स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने चार जन सूचना अधिकारियों पर 25,000 रूपये का अर्थदंड का आदेश पारित किया है। बस्तर जिले में पत्रकार मोर्चा के बैनर तले पत्रकारों ने माओवादियों की कथित टिप्पणी से नाराज होकर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी ने आज नए कृषि कानून और गैस तथा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में पदयात्रा निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं दुर्ग जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बैलगाड़ी चलाकर प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आज भगवान श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ महंत राम सुंदर दास शामिल हुए। जांजगीर चांपा जिले में रोजगार कार्यालय द्वारा 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी जिले में जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा 23 फरवरी से 8 मार्च तक रोजगार मेला सह जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर जिले में इंदिरा आवास योजना की राशि में गड़बड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। बस्तर के इतिहास और संस्कृति से जुड़े लोकगीत किंवदंतियों और लोकगाथाओं पर आधारित दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन आज जगदलपुर में किया गया। कोरिया और कटघोरा वनमंडल के खड़गवां क्षेत्र में इन दिनों 5 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने अमले ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने आदेश जारी किया कि सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल न आने दिया जाए। दंतेवाड़ा जिले में 5 इनामी सहित 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भारतीय जनता महिला मोर्चा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कल करेगी प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।